राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चुकंदर की टॉप 5 किस्में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ आपको अत्यधिक लाभ दे सकती हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका समय क्या है होता है, उचित समय क्या होता है। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि आप चुकंदर की खेती करना चाहते हैं, लेकिन आप वैरायटी का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि हम किस प्रकार की वैरायटी या किस कंपनी की वैरायटी का उपयोग करें ताकि अच्छे से अच्छा उत्पादन हो सके, समय के प्रतिकूल रहे और अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छा लाभ आपको मिल सके। किसान भाइयों, चुकंदर की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है वैरायटी का सिलेक्शन, कि किस वैरायटी को किस समय में बोना है, कितना बोना है, किस समय में इसकी बुवाई की जाती है और कब ये पककर तैयार हो जाता है, इसका कंद जो है किस कलर का होता है, कौन सा कंद, किस कंपनी की वैरायटी का कंद जो है बहुत ही अच्छा होता है और मार्केट में आपको उचित बाज़ार मूल्य दिला सकता है। तो इसकी 5 किस्मों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहली जो किस्म है वह सकाटा कंपनी की कैस्ट्रेल वैरायटी आती है। सकाटा कंपनी की कैस्ट्रेल वैरायटी बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम से कम दिनों में तैयार होने वाली वैरायटी है। बहुत ही इसका अच्छा कलर जो होता है इसका बहुत ही अच्छा होता है किसान भाइयों। तो इसका जो जीवन चक्र होता है अर्थात बोने से और इसको इसका कंद तैयार होने तक का जो समय होता है वो 70 से 80 दिन लग जाते हैं इसको तैयार होने में। इसका जो रंग होता है गहरा लाल होता है और बहुत ही देखने में सुडौल और बहुत ही ज़बरदस्त होता है किसान भाइयों। इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है 140 से 160 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो उत्पादन क्षमता पाई जाती है। और इसके लिए उपयुक्त भूमि काली मिट्टी, बलुई दोमन मिट्टी बहुत ही पर्याप्त होती है। इसकी जो बात करते हैं इसका जो कीमत है, इसकी जो कीमत है वो क्या हो सकती है, 200 ग्राम का पैकेट जो आता है किसान भाइयों वो 1000 से 1050 तक आपको बाज़ार में मिल जाता है। कीमतें किसान भाइयों कम ज़्यादा हो सकती हैं, अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग रेटों पर आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है। तो जो ये सकाटा कंपनी की वैरायटी है ये आप रबी, खरीफ, जायद अर्थात तीनों मौसमों में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 पर आता है सजेंटा कंपनी का रुड्डी वैरायटी। सजेंटा कंपनी की रुड्डी वैरायटी, इसका जो टाइम होता है बुआई का समय होता है इसका अगस्त से दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसका जो प्रति एकड़ बीज दर होती है ये 2 से 2.5 किलो आप एक एकड़ में इसके बीज डाल सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बात करते हैं उत्पादन क्षमता की, तो उत्पादन क्षमता इसकी 120 से 125 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है, जो कि बहुत ही पर्याप्त है और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार के साथ आपको देगा। बात करते हैं मिट्टी की, तो मिट्टी जो काली मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, इसका जीवन चक्र 60 से 65 दिन होता है और कीमत 200 ग्राम का पैकेट 1150 से 1200 रुपए के बीच मिल जाएगा। इसका रंग जो होता है वो गहरा लाल होता है। बात करते हैं तीसरी टॉप 5 वैरायटी में, तीसरे नंबर पर महको की माही 2 वैरायटी आती है और इसका जीवन चक्र 65 से 70 दिन और इसकी जो बीज दर है 1.5 से 2 केजी तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज दर दे रख सकते हैं और उत्पादन जो है 120 से 130 क्विंटल। यही बात कर लेते हैं कि इसकी कीमत क्या होती है, तो 50 ग्राम का पैकेट 300 रुपये का और 200 ग्राम का पैकेट 1150 से 1200 रुपये के बीच का आता है। बात करते हैं
चौथी वैरायटी की जो चौथे नंबर पर आता है, ये इंडो अमेरिकन इंडम कंपनी का, इंडम अमेरिकन कंपनी का रूबी क्वीन के नाम से आता है, जो कि उचित समय जून से नवंबर है और इसका जीवन चक्र 55 से 50 दिन होता है। इसकी कीमत की बात करते हैं तो 200 ग्राम का पैकेट 320 से लगभग 350 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि किन किन बात करते हैं कि चुकंदर की खेती किन किन राज्यों में की जा सकती है। किसान भाइयों, चुकंदर की खेती तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अर्थात लगभग भारत के सभी राज्यों में चुकंदर की खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है। बात करते हैं पांचवी वैरायटी की, तो किसान भाइयों, गोल्डन सील्ड का लालिमा के नाम से आता है और इसका समय नवंबर से दिसंबर तक होता है और भूम काली दोमट, पीली दोमट प्रति एकड़ बीज दर 1 किलो से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर आप रख सकते हैं, डाल सकते हैं। इसका जीवन चक्र 55 से 60 दिन में होता है और इसका उत्पादन जो है 120 से 130 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है। बात कर लेते हैं मूल की, कीमतें बाजार के अनुसार कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो मूल 200 ग्राम का पैकेट 1200 रुपये से लेकर 1250 रुपये तक हो सकती हैं। इसका रंग जो होता है गहरा लाल रंग होता है और ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों, चुकंदर की पैदावार उपज बढ़ाने के लिए आप यदि बेड बनाकर इसकी खेती करते हैं, अर्थात कंद वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं उनकी यदि खेती आप करना चाहते हैं और उनसे अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप बेड बनाकर तब उनकी फसलों को बोना चाहिए, जिससे उनके कंद का साइज़ बड़ा हो। कंद देखने में सुंदर और सुडोल होता है, आपको भरपूर मात्रा में इसमें उत्पादन मिल जाता है। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं चुकंदर की फसलों में, तो किसान भाइयों, आप बीज को बेड बनाकर तब इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, बात करते हैं कि इसकी बुआई किसान भाइयों, आप सभी राज्यों में कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।